so many pieces up back together now. What's your vision? दोस्तों न्यूज़ तो हम सभी लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, लेकिन जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें बहुत से फेमस न्यूज़ एंकर्स को हम डेली जरूर देखते हैं। तो ऐसे में इन न्यूज़ एंकर्स के बारे में कुछ पर्सनल बातें हम लोगों को पता चल जाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 न्यूज़ एंकर्स की एक महीने की इनकम के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कितना उनकी सैलरी है एक महीने की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल कब क्या कैसे को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं रोहित सरगना, जो पहले जी न्यूज में काम करते थे और अब वो आज तक के लिए काम करते हैं। इनकी मंथली इनकम की बात करें तो इनको महीने में 72,000 रुपए। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती हैं श्वेता सिंह। श्वेता सिंह एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता हैं। वह आज तक में विशेष कार्यक्रम के एक समाचार एंकर और एक रिपोर्टर हैं। इनकी मंथली इनकम की हम बात करें तो श्वेता सिंह महीने में करीब 8,33,000 रुपए एज ए सैलरी अर्न करती हैं आज तक से, और इनका एनुअल पैकेज करीब 1 करोड़ रुपए का है। इसी लिस्ट में नंबर 8 पर आती हैं अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। वह आज तक समाचार चैनल की एक प्रमुख संपादक भी हैं। वह भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक हैं। वह अपने कार्यक्रम हल्ला बोल और आज तक विशेष रिपोर्ट के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पहले अन्य हिंदी चैनल में भी बड़ी बहस और दो टूक जैसे बहस कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इनकी अर्निंग की अगर हम बात करें तो इनकी अर्निंग भी सालाना 1 करोड़ रुपए और महीने का करीब 8,33,000 रुपए सैलरी आज तक से ये पाती हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे आते हैं सुधीर चौधरी। जी हाँ, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में कार्य करते हैं। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के एक वरिष्ठ संपादक और बिजनेस हेड हैं। इससे पहले ये मराठी और लाइव इंडिया चैनल के भी संपादक रह चुके हैं। सुधीर चौधरी ने अपनी पत्रकारिता करियर की 2001 में की थी शुरुआत। कोयला घोटाले में जिंदल समूह से घोटाले से नाम हटवाने के नाम पर जबरन 100 करोड़ लेने के आरोप में 3 दिन तिहाड़ जेल में भी बिता चुके हैं और अभी फिलहाल जमानत पे हैं। इनकी अर्निंग की अगर हम बात करें तो जी न्यूज़ से ये कमाते हैं सालाना 3 करोड़ रुपए और इनकी सैलरी एक महीने की है करीब 25 लाख रुपए। नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पर आते हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार पांडे एक भारतीय टीवी एंकर, लेखक और पत्रकार हैं। रवीश कुमार NDTV इंडिया नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल NDTV इंडिया में वरिष्ठ पत्रकार हैं और चैनल के प्रमुख कार्यक्रम जैसे हम लोग और रवीश की रिपोर्ट के होस्ट भी हैं। इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो रवीश कुमार की सैलरी 3 करोड़ सालाना है और महीने की अगर हम बात करें तो 25 लाख रुपए महीना ये अर्न करते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर आते हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा एक हिंदी समाचार चैनल NDTV के मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक हैं और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। इनका मुख्य शो आपकी अदालत है। इनकी अगर इनकम की बात की जाए तो रजत शर्मा सालाना करीब 3.6 करोड़ रुपए कमाते हैं और इनकी मंथली इनकम की बात करें तो करीब 30 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आती हैं बरखा दत्त। बरखा दत्त एक भारतीय टीवी पत्रकार हैं जो NDTV इंडिया में काम करती हैं। इनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो मंथली इनकी सैलरी करीब 30 लाख रहती है और सालाना ये करीब 3.6 करोड़ रुपए अर्न करती हैं NDTV इंडिया से। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आते हैं राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई IBN 7 में एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम करते हैं। इससे पहले वे बहुत अलग अलग अन्य चैनल्स में भी काम कर चुके हैं और इनकी आयु करीब 54 वर्ष है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। इनकी अगर सैलरी की बात करें तो ये मंथली सैलरी पाते हैं चैनल से और एनुअल इनकी अगर इनकम की बात की जाए तो 5 करोड़ से ज़्यादा इनकी एनुअल इनकम रहती है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आते हैं अभिशार शर्मा। अभिशार शर्मा भी फिलहाल ABP न्यूज चैनल के लिए मुख्य और वरिष्ठ पत्रकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सालाना उनका पैकेज 5.25 करोड़ का है और मंथली अगर हम देखें तो करीब 43,75,000 रुपए सैलरी वो चैनल से पा रहे हैं।
अब इस लिस्ट में नंबर वन कौन है उसका भी इंतजार हम आपके लिए खत्म कर देते हैं। जी हाँ, इस लिस्ट में नंबर वन पर आते हैं अर्णव गोस्वामी। जी हाँ, अर्णव गोस्वामी एक भारतीय पत्रकार एवं टीवी समाचार प्रवक्ता हैं। ये रिपब्लिक टीवी के प्रबंध संपादक हैं। इससे पहले वे बहुत से अलग अलग चैनल्स के लिए भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। इनका खुद का एक चैनल है रिपब्लिक टीवी, जो इंडिया में इंग्लिश न्यूज़ चैनल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब ये चैनल इन्होंने बनाया था 2017 में, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही एक चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर गया था। हिंदी न्यूज़ चैनल्स की बहुत भरमार थी हमारे देश में, और ऐसे में एक इंग्लिश चैनल को लाकर इन्होंने इतिहास रच दिया था। और इनकी सैलरी या इनकी इनकम की बात करें तो सालाना ये कमाते हैं 12 करोड़ रुपए, और मंथली इनकम इनकी है करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट पत्रकार, आपका फेवरेट न्यूज़ एंकर कौन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।